नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा के खारिया रैली में शामिल होंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम मनोहर लाल सहित भाजपा के नेता भी इसमें शिरकत करेंगे। 8 मार्च को खारिया में होगी प्रगति रैली। कोरोना वायरस को लेकर के सिरसा में अनेक कार्यक्रम भी हुए रद्द। रैली को लेकर के नेताओं ने मंजूरी दे दी है और कोरोना वायरस को लेकर के एहतियात बरती जा रही है। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि रानिया हल्के के गांव खारिया में 8 मार्च को प्रगति रैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर सहित भाजपा नेता भी शिरकत करेंगे। सिरसा में मीडिया से रूबरू होते हुए रणजीत सिंह चौटाला ने ये जानकारी दी। हालांकि कोरोना वायरस के चलते प्रदेश और सिरसा में कई कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर रणजीत सिंह ने कहा है कि उनके द्वारा आयोजित की जा रही रैली का कार्यक्रम तय हो चुका है। इस रैली में 50,000 से अधिक लोग पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि इस रैली को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से संबोधित करेंगे। हालांकि कोरोना वायरस को लेकर के रैली पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस सवाल के जवाब में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि नेताओं की तरफ से रैली में आने की कंफर्मेशन मिल गई है। कोरोना वायरस को लेकर के एहतियात अवश्य बरती जा रही है, लेकिन रैली होना पक्का है। इस मंच पर सरकार में शामिल सभी दल नेताओं को निमंत्रण भेजा है और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस इलाके में कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिजली सरप्लस है और कहीं पर भी बिजली की कमी व कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि जगमग योजना के तहत 4500 से अधिक गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही आने वाले दिनों में जगमग योजना के तहत गांव भी शामिल किए जाएंगे। आप देख रहे हैं पल पल की पूरी तैयारी हो रही है जी। आपने देखा ना, हमारा पंडाल ही बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। कभी रणजीत सिंह का पंडाल खाली तो आज तक रहा नहीं। पंडाल से भी बार भीड़ रहेगी। अब तक पंडाल में 50,000 कुर्सियाँ लग गई और मैं समझता हूँ कि भीड़ हमारी बाकी बढ़ जाए आगे की बातें। मैं वही कहा करता हूँ जिससे कम नहीं रहती। हमारा ये अंदाजा है कि ये भीड़ 60+ होगी, 70 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है। कौन नेता संबोधित करेंगे? इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जो तो है ही है। कल उनका भी क्लियर हो गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी नड्डा वो भी इसमें शिरकत करेंगे। सर, कोरोना वायरस को लेकर बड़े बड़े प्रोग्राम रद्द हो रहे हैं, आपकी रैली की क्या स्थिति है? देखिए, उनका मन है, मेरा मन है उन्हें बुलाने का। मैंने बड़ा उनसे अपना निवेदन किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो निश्चित रूप से आएंगे। बाकी प्रोग्राम सब कैंसिल हो रहे हैं। मुझे भी पता है, पीएम साहब का बुल्गेरिया का हो गया, सब जगह ये कोरोना करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, पर हमारा प्रोग्राम रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। रात मैंने फिर उन्हें चेक कर लिया था तो कहने लगे नहीं, निश्चित रूप से आऊँगा। कल आपने हिसार में खुला दरबार लगाया, क्या क्या समस्याएँ सामने? देखिए, लोगों की जनरल अपनी शिकायतें होती हैं, किसी के कुछ प्रॉब्लम है। जितना देश बड़ा है उतनी प्रॉब्लम है लोगों की आते हैं, और साथ के साथ ही ऑफिसर्स बैठे थे, निपटारा हो जाता है। क्या हरियाणा में बिजली सरप्लस है, कैसी स्थिति है? हाँ, आज के दिन सरप्लस है जी, खूब सरप्लस है, कहीं कमी है ही नहीं। अब मेरे ख्याल में तब से कभी कमी आई नहीं। वो ये हो जाता है कि जहाँ बहुत डिफॉल्टर हैं, लोग दे ही नहीं रहे, बिल ही नहीं पे कर रहे, वहाँ थोड़ी रोक दी जाती है। बाकी तो 4,500 गाँव तो जगमग योजना में 24 घंटे बिजली रहती है। क्या जगमग योजना के तहत कोई और गांव भी ऐड किए जाएंगे उसमें? जो अच्छे पे मास्टर बनते जा रहे हैं सभी को ऐड करें, हम तो सारा हरियाणा करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ हमें एक साल में कर लेना है। इस रैली का क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाली आपकी जो पॉलिटिक्स होगी? देखिए, सबसे बढ़िया तो ये मैसेज आएगा कि मुख्यमंत्री की ताकत दिखेगी, लोगों की सपोर्ट दिखेगी, जो सामने एक्सपोजर होगा कि इतनी बड़ा जन समर्थन उनके साथ खड़ा है। सरसा में इतना बड़ा जन समर्थन मिलना, जहाँ एक सीट भी नहीं आई थी, वहाँ अगर आज उन्हें 70,000 की भीड़ वेलकम करती है तो बहुत बड़ा मैसेज है। आपकी विभाग की बड़ी घोषणा हो सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री जी पलवल में गए थे, बहुत बड़ी घोषणाएं कराई, तो ये उन पर डिपेंड करेगा। सारा इलाका देखा उन्हें, हर चीज़ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर अपडेट होते हैं कि कहाँ क्या चाहिए, तो जो हमारी ज़रूरतें हैं वो सब पूरी करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। क्या चौधरी साहब के साथ बीजेपी और भाजपा खड़ी होगी? किन के साथ? आपके साथ कि रैली में पूछे हैं क्या? हाँ, हम सारे गठबंधन सारा एक है, सब इकट्ठे हैं।